सर से फिजिक्स 2015 द यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज सो ऑफ कोर्स रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। फिर कह रहे हैं डायमेंशन ऑफ एंट्रोपी, तो यार देखो एंट्रोपी होती है एनर्जी अपॉन टेम्परेचर, एनर्जी की डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू और टेम्परेचर की के, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू के माइनस ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। जनाब ए बॉडी ट्रेवलिंग इन अ सर्कल एट कॉन्स्टेंट स्पीड, देखो कॉन्स्टेंट स्पीड होती है तो कुछ लोग कहते हैं एक्सेलरेशन नहीं होता, बिल्कुल जनाब, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होगा और उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, इनवर्ट रेडियल। अल्ट्रावायलेट वेव्स आर यूज फॉर स्टेरिंग लिक्विड सोल्यूशन बिकॉज दे डू नॉट प्रोड्यूस नॉइज ड्यूरिंग द ऑपरेशन, आर ईजी टू प्रोड्यूस, डू नॉट प्रोड्यूस केमिकल लिक्विड्स इन द सोल्यूशन, कैन प्रोड्यूस परफेक्टली होमोजेनियस सोल्यूशन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। फिर कह रहे हैं होलो मेटल स्पेयर, देखो ये क्लास में करवाए थे सारे सवाल, एट रेडियस 5 सेंटीमीटर इट्स चार्ज सच दैट पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस इज 10 वोल्ट, द पोटेंशियल ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो ये क्या हो जाएगा जीरो। सर से यूनिवर्सिटी के पास पेपर के सोल्यूशन की प्ले लिस्ट में सारे ही मौजूद हैं भाई। देखें जो लॉ के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि स्टेटमेंट पूछते हैं, स्टेटमेंट दे के या मैथमेटिकल फार्मूला दे के पूछते हैं कौन सा लॉ है, ध्यान से पढ़ें। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बी दैट इज बी क्लोज पाथ इज इक्वल टू द नेट करंट आई पासिंग थ्रू द एरिया बाउंडेड बाय दैट पाथ, दिस इज नोन एज गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिक स्टैटिक, एम्पियर लॉ, तो करेक्ट आंसर है एम्पियर लॉ। फिर एट क्यूरी टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू पैरो मैग्नेटिक, देखिए इसे उल्टा भी पूछते हैं कि जब फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट होता है तो उस टेम्परेचर को क्या कहा जाता है, क्यूरी टेम्परेचर। फिर बड़ा अच्छा है द अपरेटस यूज फॉर मॉनिटरिंग द प्रेजेंस ऑफ सबमरीन आइसबर्ग एंड अदर अंडर वाटर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सोनार, ठीक है जी, इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑयल फ्लोटिंग ऑन वाटर अपीयर्स कलर्ड ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, द प्रोमिनेंट थिकनेस ऑफ ऑयल फॉर सच इफेक्ट टू बी विजिबल इज, करेक्ट आंसर है 10,000 एमस्ट्रॉम, 10,000 एमस्ट्रॉम तकरीबन 1,000 नैनोमीटर हो गया है माइक्रोमीटर। फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव डू नॉट एग्जिबिट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन डायफ्रैक्शन पोलराइजेशन, तो ऑफकोर्स पोलराइजेशन। फिर व्हेन लाइट इज रिफ्रैक्टिव इनटू पासिंग फ्रॉम एयर इनटू ग्लास इट स्पीड डिक्रीज एंड वेवलेंथ डिक्रीज, जनाब यही आंसर है, सुन लें, फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होती। अब फार्मूला होता है वी इक्वल टू एफ लैम्डा, वेलोसिटी कम होती है तो उसके नतीजे में ऑफकोर्स लैम्डा भी कम होगा, तो दोनों चीज़ें स्पीड और वेवलेंथ कम होगी, ये बहुत अहम सवाल है, हर एमडी गेडी गेट में फिजिक्स में आता है। फिर इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिटरमाइंड, ऑप्शन ए वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, ऑप्शन बी द इंसिडेंट ऑफ द इंसिडेंट लाइट, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, तो बोथ ए एंड बी। फिर है रेल इमेज फॉर्म बाय द सिंगल कॉन्वेक्स लेंस आर ऑलवेज, तो करेक्ट आंसर है इनवर्ट। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस है फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, वॉट वुड बी द साइज ऑफ द इमेज कॉम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट। बेटा एक ट्रिक बताई थी मैंने कि जब भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ का ट्वाइस होगा इमेज बराबर किसके होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात पूछ रहे हैं साइज ऑफ इमेज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस के बराबर होगा, जो ट्रिक हमने क्लास में बताई थी। विच ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन इज आइनस्टाइन इक्वेशन, तो इक्वल टू एम सी स्क्वायर आइनस्टाइन की है। फिर रेडिएशन इज द मेन मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम सन टू अर्थ, ठीक है जी, ऑप्शन ए करेक्ट। फिर कह रहे हैं इन इक्वेशन ई इक्वल टू एच न्यू, एच इज ब्लैंक्स कॉन्स्टेंट,
When metal is heated sufficiently, electrons are emitted by metal. This phenomena, ये देखें बड़ा है मैं, thermionic emission है, ठीक है, thermionic emission, अलग से definition भी पूछ सकते हैं। 2015, अनिक्रोम वायर 50 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 1 मिलीमीटर इन क्रॉस सेक्शन यानी एरिया कैरीज अ करंट ऑफ 4 एम्पेयर व्हेन कनेक्टेड टू 2 वोल्ट स्ट्रॉन्ग बैटरी द रेजिस्टिविटी ऑफ निक्रोमिस। बड़ा ही प्यारा सवाल है बच्चों। देखो रेजिस्टिविटी इस तरह निकलेगी, रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय करंट अपॉन लेंथ एरिया। अब देखो ये जो रेजिस्टेंस है बड़ा आसान है, करंट जो है वो क्या है आपका 4 एम्पेयर, वोल्टेज 2, 2 को 4 से डिवाइड कर दो 0.5 आ जाएगी, एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर दिए, मीटर स्क्वायर में 10^-6 हो जाएगी, लेंथ बच्चों 50 सेंटीमीटर दिए, 15 × 10^-2 हो जाएगी या 0.5 ही कह लें, ये तो कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ठीक है ये कैंसिल हो जाएगा भाई, इसको दोबारा 0.5 बना दो ना, तो आंसर बचेगा 1 × 10^-6 ओम मीटर। ज़ाहिर है इसको भी हमने ख़त्म कर दिया ना, 10^-6 बचे। फिर कह रहे हैं वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम इज स्ट्रेच टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर न्यू वायर। लेंथ अगर ट्वाइस होगी, मेरी एक बड़ी अच्छी शॉर्ट ट्रिक याद रखो, तो रेजिस्टेंस 2 का स्क्वायर 4 टाइम बढ़ जाएगी, ठीक है 4 टाइम बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगी 4 4 16 इज